Hi guys, this is Danish from Danish Talkies, and today I'm going to talk about a very heartbreaking statement. Yes, वो statement एक ऐसे जाने माने इंसान ने दिया है जिन्हें कहीं ना कहीं हम लोग पसंद भी करते थे और उस इंसान ने ऐसा statement देकर अपनी इज्जत हमारी नज़रों में गिरा ली है. So statement क्या था guys? Let's check it out. वेलकम बैक गाइस. तो वापस आते हैं अपनी उस टॉपिक की तरफ कि वो कौन सा इंसान है जिसने वो बहुत ही बुरा स्टेटमेंट दिया जिससे हमारे दिल को दर्द हुआ, हमारे सेंटिमेंट्स को चोट पहुंची. उसको रिवील करने से पहले गाइस, मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया है. जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, उसके बाद आने वाले इस बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर दें क्योंकि बेल आइकन ही है हमारा करता धरता. सो गाइज, बैक टू द टॉपिक. टॉपिक एग्जैक्टली ये है कि एक ऐसी जानी मानी हस्ती ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसने हमारे सेंटिमेंट्स को, इवन उसके प्रति हमारे प्यार को चोट पहुँचाई. तो वो कौन है? वो कोई और नहीं, वो है ये. यस, मिस्टर शाहिद अफरीदी. मिस्टर शाहिद अफरीदी ने एक बहुत ही आपत्तिजनक कह सकते हैं एक स्टेटमेंट दिया. स्टेटमेंट एग्जैक्टली ये था कि उनका ये कहना है कि अगर उन्हें आईपीएल में खेलने के लिए बुलाया जाए तो भी वो नहीं आएंगे, उनको रिक्वेस्ट की जाए तो भी नहीं आएंगे, उनको अच्छे ऑफर्स दिए जाएँ तो भी वो नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि उनकी कंट्री में PSL, जो PSL लीग होती है, जो वो IPL से बेटर है. होपफुली हो सकती है, हम दुआ करते हैं कि होनी चाहिए या हो, बट आपने जो कहा कि PSL IPL से बेहतर है, बहुत अच्छी है. सर, आप अपनी कंट्री का कोई गेम हो रहा है उसको अच्छा कह सकते हैं, लेकिन आप एक स्टेटमेंट में ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरी कंट्री का गेम ख़राब है, ठीक है. और ये नहीं कह सकते कि अगर कोई आपको अच्छे पैसे भी देगा तो भी मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा जो कंट्री में PSL हो रहा है वो बेस्ट है. हो सकता है बेस्ट. और आप भूल रहे हैं शायद, मैं यहाँ पर क्लिप्स भी यहाँ पर जोड़ देता हूँ, वो स्टेटमेंट आपका जोड़ देता हूँ जहाँ पर मिस्टर शाहिद अफरीदी ने यह कहा था कि जब वो IPL में फर्स्ट सीज़न में वो खुद खेले थे तब उन्होंने कहा था कि IPL जैसा फॉर्मेट पूरे वर्ल्ड में नहीं है, IPL जैसा T20 फॉर्मेट पूरे वर्ल्ड में नहीं है. बट आज जब उनकी कंट्री में PSL शुरू हो गया है तो उनका कहना है कि PSL से ज़्यादा अच्छा कोई भी नहीं है. सर, यहाँ तक कि मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि PSL की टोटल ओवरऑल प्राइज मनी जो है उससे भी ज़्यादा फीस चार्ज की थी हमारे ऋतिक रोशन ने IPL की ओपनिंग सेरेमनी में. ये बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस ये स्टेटमेंट आपको देना चाह रहा हूँ कि आपने जिस तरीके से ये कहा कि एक दूसरी कंट्री की गेम के बारे में कि अगर आपको पैसे भी दिए जाएं, ये भी दिए जाएं, वो भी दिए तो भी आप नहीं जाएंगे, पसंद नहीं करेंगे जाना क्योंकि हमारे पास उसे बहुत अच्छी बड़ी गेम है, तो हमें डिफेंस में अपनी कंट्री के IPL के डिफेंस में मुझे आना पड़ा बिकॉज मैं फील करता हूँ अपनी कंट्री के लिए. सो आपने ये कहा कि बुरी है, बुरी नहीं है सर. हर कंपनी की गेम बहुत अच्छी होती है, हर कंट्री की गेम बहुत अच्छी होती है. हम लोग किसी को भी ऊपर नीचे नहीं जज कर सकते, ठीक है. आपकी कंट्री में PSL खेला जाता है, बहुत अच्छी बात है, PSL को लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट IPL इज़ IPL ब्रो. IPL जो है उसने ये ट्रेंड स्टार्ट किया, T20 का ट्रेंड स्टार्ट किया, आप उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते. आप देखिए क्या है ना कि मिस्टर शाहिद अफरीदी, आप एज अ स्पोर्ट्समैन बहुत ही अच्छे हैं, हमारी कंट्री में आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं और आपकी कंट्री में भी हमारे क्रिकेटर्स के बहुत ज़्यादा फ़ैन हैं, लेकिन हम लोग बुराई नहीं करते, ठीक है. अगर आज हम लोग एक अच्छी पोजीशन पे खड़े हैं हमारे गेम स्पिरिट के लिए, IPL एक बहुत बड़ा नाम है पूरे वर्ल्ड में, वहाँ पर बड़े बड़े खिलाड़ी खेलने के लिए मतलब कि ये सोचते हैं, ये तैयार रहते हैं, अपना माइंड को सेट कर लेते हैं कि IPL खेलना है क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है, इतना ज़्यादा ग्रो करते हैं वो लोग हमारे इस IPL फॉर्मेट से कि आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं. और आप अपने कंट्री में होने वाले इसी तरह के एक दूसरे फॉर्मेट में, इसी का कॉपी कह सकते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए अगर आप उसका नाम लें कि आपको IPL में बुलाया जाए तो भी आप नहीं जाएंगे, PSL हमारी कंट्री का बेस्ट है, आने वाले समय में ये भी आपने कह दिया कि आने वाले समय में PSL विल बीट IPL. आई डोंट थिंक सो ब्रो. मेरे हिसाब से कोई भी मेरे व्यूअर्स भी जो मुझे देख रहे हैं, जो IPL पसंद करते हैं, इवन वो लोग जानते हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, बट हम लोग दुआ करेंगे कि PSL बहुत तरक्की करे, बट इसका मतलब ये नहीं है ब्रो, IPL इज़ द बेस्ट. और
इसी तरीके से हम लोग ग्रो करते रहेंगे। आप सोचिए ना, PSL अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट IPL कितने सालों से चल रहा है। जब तक आपका PSL इस पोजीशन पर पहुंचेगा, IPL विल बी देयर, वो कहां से कहां पहुंच चुका होगा। सो गाइज, यही मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता था कि शाहिद अफरीदी ने इस टाइप का एक कमेंट कर दिया कि PSL इज़ द बेस्ट, PSL इज़ गोइंग टू बीट IPL इन द फ्यूचर, बट इट इज़ नॉट ट्रू ग्रो, इट इज़ नॉट ट्रू। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, ये बिल्कुल भी सच होने वाला नहीं है। फ्यूचर मेरे सामने है, मुझे दिख रहा है फ्यूचर कि IPL कहां से कहां जाने वाला है। बट मिस्टर शाहिद अफरीदी, नो ऑफेंस, हम लोग आज भी आपको पसंद करते हैं। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बहुत ज़्यादा सीनियर खिलाड़ी हैं। आपके स्टेटमेंट्स अगर इस तरीके से आएंगे तो आप ही कंट्री में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो आप लोग आपको फॉलो करते हैं, न्यू खिलाड़ी, न्यू स्पोर्ट्समैन हैं, उन लोगों पर क्या मैसेज जाएगा? वो लोग एक फॉर्मेट के बारे में गलत सोचने लगेंगे। आपको बस ये बताना है कि सारे फॉर्मेट्स अच्छे हैं। हर एक फॉर्मेट जो डिज़ाइन किया गया है वो न्यू टैलेंट को कितना ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है। ये कहिए कि जब IPL शुरू हुआ था, हमारी कंट्री की मैं बात कर लेता हूँ, IPL व्हेन स्टार्ट, तब हमारे जो भी बहुत सारे खिलाड़ी है सबको चांस नहीं मिल पाता था, क्योंकि 11 12 15 20 खिलाड़ी ही इंडियन टीम में सेलेक्ट हो पाते थे, बाकी सारों को उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता था। बट अब IPL आने के बाद हमारे बहुत सारे न्यू टैलेंट्स को एक्सपोजर मिला है, वो लोग घूम रहे हैं, मतलब कि वो लोग जो जो चाहते थे अपनी लाइफ में अचीव करना, उनको एक बहुत अच्छा फॉर्मेट मिला, एक प्लेटफॉर्म मिला अपने टैलेंट को दिखाने के लिए। और बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी हैं गाइस, जिनको IPL के थ्रू, उनकी IPL के परफॉर्मेंस के हिसाब से जज कर इंडियन टीम में चांसेस भी मिले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन हार्दिक पांड्या बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उन्होंने, आज हम लोग की इंडियन टीम में वो खेल रहे हैं। सो यही मैं क्लियर करना चाहता था, शाहिद अफरीदी को भी ये चीज़ कहना चाहता था कि सर, कोई भी फॉर्मेट, कोई भी गेम, कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, सबके लिए समान रूप से, सेम हिसाब से ही इज्जत रखनी चाहिए। यही मैं आपको क्लियर करना चाहता था गाइस। सो गाइस, मेरे व्यूअर्स, मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मैं रिवीलिंग करते रहूँगा, ऐसे ही बड़े बड़े न्यूज़, बड़े बड़े खुलासे आपके सामने लेकर आते रहूँगा, और जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने आएगी। तब तक के लिए गाइस, कीप वॉचिंग दानिश टॉकीज़। दानिश टॉकीज़ कभी पीछे भी पीछे नहीं हटेगा, आपके सामने सच लाते रहेगा और फ्यूचर को ब्राइट करते रहेगा, यूथ को बढ़ावा देते रहेगा, क्योंकि यूथ इज द फ्यूचर गाइस। कीप वॉचिंग दानिश टॉकीज़। तब तक के लिए गाइस, चाओ।